राजमाता चंद्रकांती देवी की श्रद्धांजलि समारोह में उत्तर प्रदेश की विभिन्न हस्तियां पहुंची। हम आपको बताएं कि विभिन्न दलों के राजनेता समेत अधिकारीगण पहुंचे थे रायबरेली के चंदापुर कोठी स्थित भवन में। वहां पे राजमाता चंद्रकांती देवी को सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख तौर पर जनता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उनके साथ में उनके भाई गोपाल जी व सरदार भगत सिंह जी के पौत्र यदविंदर सिंह, जाने माने शायर मनोवर राणा, स्वर्गीय अजीत सिंह के पुत्र शशांक सिंह पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, रायबरेली के जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव समेत तमाम लोग पहुंचे थे श्रद्धांजलि सभा में। वहीं देश के जाने माने एक्टर राजपाल यादव ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रमुख तौर पर राजमाता चंद्रकांती देवी के बड़े पुत्र कौशलेन सिंह बड़े राजा, हरसेन सिंह छोटे राजा, ब्रजेन सिंह बन्नू राजा समेत पूरा परिवार मौजूद था। साथ ही जिले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, भाजपा नेता अतुल सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजू सिंह, डॉक्टर मनीष सिंह चौहान, डॉक्टर ब्रजेश सिंह, हरिहर सिंह, विजय रस्तोगी, मिंटू सरदार, जगदीश चैनानी, महेंद्र अग्रवाल, मंटू शुक्ला समेत तमाम लोग मौजूद थे। सेवन की डेस्क रिपोर्ट। आदरणीय राजा भैया श्री कौशलेंद्र जी, प्रणाम करता हूँ आपको, आपके पूरे परिवार को, सभी भाइयों को और परिवार के सभी सदस्यों को, परम श्रद्धे माता जी के आत्मा को शांति मिले ऐसी भावभीनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन के रूप में उनको अर्पित करता हूँ। और बहुत ही असहाय महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज जो है मुझे रायबरेली में होना चाहिए था, लेकिन जीवन की आपाधापी में आपके पास फिजिकली नहीं हूँ, लेकिन मानसिक रूप से बिल्कुल प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप पूरे परिवार को माता जी हमेशा शक्ति प्रदान करें और आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भैया जल्दी से आपके और आपके परिवार के दर्शन करूँगा।